हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंजीनियरिंग आईक्यू चैनल। आज हम स्टडी करेंगे पेंट फॉर्मूलेशन एंड टेक्निक्स ऑफ पेंट, जिसमें से इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पेंट फॉर्मूलेशन, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसकी कॉस्ट क्या है। आई होप लाइक माई वीडियो। नाउ स्टार्ट पेंट फॉर्मूलेशन। तो अब तक जैसे तुमने पढ़ा है कि भी पेंट को बनाने में बेसिकली चार इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर पेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक तो होता है पिगमेंट, एक होता है बाइंडर, एक होता है तुम्हारे एडिटिव्स और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ लिया कि उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे कैसे फॉर्म में वो पाए जाते हैं। ठीक है, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब मेन क्या है, जब हमें पेंट बनाना होता है तो इन्हीं चीज़ों को मिला के हम अलग अलग तरह के अलग अलग क्वालिटी के पेंट बना सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस क्वांटिटी में हमें इनको मिक्स करना है। पिगमेंट कितना होना चाहिए हमारा, बाइंडर कितना होना चाहिए, सॉलिड कंटेंट कितना होना चाहिए, चार पांच प्रॉपर्टी होती है पिगमेंट, वॉल्यूम कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, उनके बारे में। तो चलो पढ़ते चले जाते हैं लाइन टू लाइन हम इसको। तो द फॉर्मुलेशन ऑफ पेंट इज़ ए मैटर ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए पेंट टेक्नोलॉजिस्ट। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो पेंट बनाते हैं उनके ऊपर। इट इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन पेंट्स एंड द नेचर ऑफ द सब्सट्रेट टू विच द पेंट इज टू बी अप्लाइड। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा पेंट किस तरह का बनेगा। एक तो हमने कंस्टिट्यूएंट क्या लिए हैं पेंट के, और दूसरा डिपेंड करेगा कि किस सरफेस के हम ऊपर हमें उस पेंट को अप्लाई करना है। सबस्ट्रेट मीनिंग सरफेस। जैसे कि भी पेंट हम यूज़ करते हैं, पेंट फॉर यूज़ ओवर कंक्रीट रोड विल हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन इंटेंटेड फॉर एप्लीकेशन टू टिम्बर फ्लोर्स। ठीक है, कि भाई जो अगर कोई सड़क बना रहे हैं तो सड़क बनाने में वहाँ पर जो हम पेंट यूज़ कर रहे हैं वो अलग होगा, या लकड़ी के ऊपर कोई हमें पेंट यूज़ करना है तो उसकी कंपोजिशन अलग होगी। टू पेंट्स में भी बेस्ड ऑन सेम जेनरिक टाइप ऑफ व्हीकल, बट द फॉर्मुलेशन विल बी क्वाइट डिफरेंट इन देयर फाइनल कंपोजिशन। ठीक है, तो वंस द प्रॉपर कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट हैव बीन सेलेक्टेड, पहले हम उनको क्या कर लेते हैं, कंस्टिट्यूएंट को सिलेक्ट कर लेते हैं कि पेंट बनाने हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। दीज मटेरियल्स आर कम्बाइंड टुगेदर इन प्रॉपर अमाउंट। तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर अमाउंट में मिलाना पड़ेगा। तो वो पैरामीटर कौन से होंगे पेंट फॉर्मुलेशन के, चार पैरामीटर हम देखते हैं बेसिकली, और भी कई सारे होते हैं, तो बेसिक पैरामीटर चार होते हैं। सबसे पहला तो होता है पिगमेंट टू बाइंडर रेशियो, कि हमें पिगमेंट कितना लेना है और बाइंडर कितना लेना है। ठीक है, और ये जो रेशियो होती है ये होती है वेट के अंदर, कि पिगमेंट का वेट कितना होगा और बाइंडर का वेट कितना होगा। दूसरा होता है सॉलिड कंटेंट्स, कि सॉलिड कंटेंट कितने होंगे। ठीक है, तीसरा होगा, क्योंकि तुम्हें पता है पेंट के अंदर दो तरह के कंटेंट होंगे, सॉलिड भी होते हैं जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, जो इवेपोरेट नहीं होते हैं, और दूसरे होते हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में। तीसरा है पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। अब ये पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन तुम्हारी पिगमेंट एंड बाइंडर की ही, बट इसमें हम जो रेशो लेंगे वो लेंगे इसमें हम वॉल्यूम की फॉर्म में। जैसे पहले तो हम ले रहे थे पिगमेंट टू बाइंडर रेशो में वेट की फॉर्म में, उसमें लेंगे वॉल्यूम के फॉर्म में। और चौथा होगा कॉस्ट। ये तो हर चीज़ में ही होता है कि कॉस्ट हमें देखनी होती है, कभी हम ऐसा पेंट बना रहे जिनकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हो ताकि लोग यूज़ ना कर पाएँ, उसको खरीदने के काबिल हो ही ना। तो सबसे पहला है इसमें भाई पिगमेंट टू बाइंडर रेशो। तो देखो इसमें क्या होता है, द परफॉर्मेंस नाम से पता लग रहा है वैसे तो, कि पिगमेंट कितना लेंगे, पिगमेंट टू बाइंडर रेशो, पिगमेंट कितना लेंगे और बाइंडर कितना रहेंगे वेट में। ठीक है, किसकी फॉर्म में लेंगे हम, वेट रेशो उनके, पिगमेंट टू बाइंडर वेट रेशो भी हम इसको बोल सकते हैं, कि पिगमेंट का वेट कितना होगा और बाइंडर का वेट कितना होगा। तो मेन तुम्हें पता है अभी पिगमेंट किस काम में आती है, पिगमेंट का काम होता है कलर प्रोवाइड करने का। ठीक है, और दूसरा काम, दूसरी चीज़ है बाइंडर। बाइंडर का काम क्या होता है, बाइंडर का काम होता है कि पेंट हमारा सरफेस से स्टिक रह जाए। ठीक है, चिपका रह जाए, उसका काम होता है, वो बाइंडर का काम होता है। मान लो हमने पेंट पिगमेंट ज़्यादा ले ली, यानी कि पिगमेंट की क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा होगी और बाइंडर कम हो गया, तो हमारी जो फिल्म है जो पेंट होने के बाद बनेगी वो प्रॉपर तरीके से दीवार पर रह नहीं पाएगी, और वो क्या हो जाएगी, जल्दी इरोड हो जाएगी, उखड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने दोनों की जो क्वांटिटी होती है वो लगभग एक जैसी लेनी होती है, एग्जैक्ट क्वांटिटी लेनी होती है, रेशियो ठीक लेनी होती है, ताकि वो एक तो कलर भी अच्छा है और दूसरी चीज़ वो चिपके भी रहे सही से। और बेसिकली इसमें हम देखो यही चीज़ लिख रखी है, द परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी ऑफ पेंट डिपेंड्स लार्जली ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ ए बाइंडर इन द फिल्म टू प्रोवाइड ए कम्प्लीटली कंटिन्यूस मैट्रिक्स फॉर द पिगमेंट इफ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ पिगमेंट आर यूज। अगर हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ पिगमेंट ले लेते हैं इन ए पेंट फॉर्मुलेशन में, देन सच फिल्म विल इरोड रैपिडली। तो फिल्म क्या हो जाती है, जल्दी उखड़ जाती है, अगर हम पिगमेंट ज़्यादा ले लेंगे बाइंडर कम ले लेंगे, ओइंग टू द इनएबिलिटी ऑफ द रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइंडर इन द फिल्म। Thus the weight ratio of the pigment and extender content to that of binder solid content can be carefully correlated with the performance properties of paint.
इट इज़ एन ईजिली मेजरेबल हम इसको कर सकते हैं एंड हेल्पफुल कंसेप्ट इन पेंट फॉर्मुलेशन। इन जनरल पेंट्स विद ए पिगमेंट टू बाइंड रेशियो ऑफ ग्रेटर देन 4:1, अगर कोई ऐसा हम पेंट बनाते हैं जिसकी पिगमेंट टू बाइंड रेशियो 4:1 से इतनी है या उससे ज़्यादा है, तो वो कैसा होगा, उसमें की ग्लोस क्या होगी, लो होगी, और वो इंटीरियर एप्लीकेशन के लिए ही सुटेबल होगा वो। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ सॉलिड कंटेंट। अब पहले भी मैंने बताया था कि भाई सॉलिड कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम पेंट बनाते हैं तो उसमें दो तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं बेसिकली, या तो होंगी वो वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जो चीज़ इवेपोरेट हो जाए, और नॉन वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट ना हो। तो जो इवेपोरेट होगी वो लिक्विड फॉर्म में होगी, और जो इवेपोरेट नहीं होगी वो सॉलिड फॉर्म में होगी। तो सॉलिड फॉर्म में क्या क्या चीज़ हो सकती है तुम्हारी, एक तो इसमें पिगमेंट आ सकता है तुम्हारा, बाइंडर भी आ सकता है, बाइंडर का वो पोर्शन जो इवेपोरेट ना होता हो। तो उनको मिला के, उनकी वेट को मिला के हमारा क्या बनता है, टोटल सॉलिड कंटेंट। तो देखो, द टोटल सॉलिड कंटेंट ऑफ ए पेंट इज़ अनदर सिंपल प्रॉपर्टी दैट कैन बी रेडली डिटरमाइंड फ्रॉम ए परसेंटेज वेट फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट डज नॉट इवेपोरेट, कौन सा होगा जो इवेपोरेट ना होता हो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए पेंट। पेंट की फॉर्मेशन में फिल्म ऑन ए सरफेस रिप्रेजेंटिंग द पिगमेंट्स एंड बाइंडर सॉलिड, जिसके अंदर क्या आएंगे, पिगमेंट और बाइंडर सॉलिड। द सॉलिड कंटेंट ऑफ सम पेंट प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू पेंट फॉर्मुलेटर्स। थर्ड पैरामीटर है भाई पेंट फॉर्मुलेशन का, पिगमेंट वॉल्यूम कंसेंट्रेशन। पिगमेंट वॉल्यूम कंसेंट्रेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, पीवीसी। ये कई बार पेपर में भी आ जाती है दो नंबर में, पीवीसी की फुल फॉर्म बताओ या एक्सपेंड पीवीसी। तो इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड मत लिख देना, जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कई बार। पीवीसी होती है पिगमेंट वॉल्यूम कंसेंट्रेशन, और कई बार एक इसके आगे एक वर्ड जुड़ जाता है, इसी के अंदर इंक्लूड होता है सीपीवीसी, जो तुम देख रहे हो सीपीवीसी। सीपीवीसी क्या होती है, क्रिटिकल पिगमेंट वॉल्यूम कंसेंट्रेशन। ये कई बार आते हैं पेपर में, तो इसको अच्छे से कर लेना। सीपीवीसी मतलब क्रिटिकल पिगमेंट वॉल्यूम कंसेंट्रेशन, एंड पीवीसी मतलब पिगमेंट वॉल्यूम कंसेंट्रेशन। अब देखो, नाम से ही पता लग रहा है पिगमेंट वॉल्यूम कंसेंट्रेशन कि कितनी पिगमेंट की वॉल्यूम की कंसेंट्रेशन है, यानी कि देखो इट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पिगमेंट वॉल्यूम। परसेंटेज किसकी, पिगमेंट वॉल्यूम की, यानी कि वॉल्यूम ऑफ, ऊपर तो होगी वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट, नीचे होगी वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड। अब टोटल सॉलिड मैंने पहले ही बताया था किससे मिलके बनते हैं, टोटल सॉलिड एक तो होता है उसमें पिगमेंट, एक होता है बाइंडर, और बाइंडर को इस फॉर्म में जो वेपराइज नहीं होता हो, यानी कि नॉन वोलेटाइल बाइंडर। तो फार्मूले में ऊपर तुम देख सकते हो क्या है, पीवीसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इनटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल बाइंडर। ठीक है, तो दूसरी मेन बात क्या है इसमें, इससे पहले जो दो टर्म थी हमारी सॉलिड कंटेंट और पिगमेंट टू बाइंडर रेशियो, उसमें हम क्या लेते थे, वेट लेते थे, बट इसमें हम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट और वॉल्यूम ऑफ बाइंडर। अब आगे आ जाओ, द पीवीसी ऑफर्स ए मोर साइंटिफिक अप्रोच टू द फॉर्मुलेशन ऑफ पेंट एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सच एज पिगमेंट वॉल्यूम कंसेंट्रेशन। से हमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इफेक्ट कर उन चीज़ों का पता लगता है, कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे कि ग्लोस, यानी कि उसमें कितनी चमक है, ड्यूरेबल कितने टाइम तक पेंट चल सकता है, रियोलॉजी होती है तुम्हारी, स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स एंड वॉशेबिलिटी ऑफ पेंट, कि पेंट हमारा कैसा होगा, वॉशेबल है, जिसको हम वॉश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो किसको देख के पता लगेगा, पीवीसी को, पिगमेंट वॉल्यूम कंसेंट्रेशन। सिंस द अमाउंट ऑफ पिगमेंट एंड द बाइंडर आर ऑन वॉल्यूम बेसिस, देख क्या भी बताया था मैंने कि पिगमेंट और वॉल्यूम की किस बेसिस पे है ले रहे हैं हम इसमें, वॉल्यूम बेसिस पे। इट इज़ ऑब्वियस दैट टू पेंट्स कैन हैव आइडेंटिकल पिगमेंट बाइंडर रेशियो, पिगमेंट बाइंडर वेट रेशियो। तो ये जरूरी नहीं हो सकता, देखो हमने कौन सी बेसिस देख रहे हैं इसमें, वॉल्यूम रेशियो, तो ये हो सकता है कि पिगमेंट और वॉल्यूम का वेट इक्वल हो बट उनकी वॉल्यूम इक्वल ना हो, क्योंकि वेट अलग हो पैरामीटर है, वॉल्यूम अलग पैरामीटर है। अगर डेंसिटी चेंज होगी, वेट सेम होगा, तो हमारी क्या चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही है, यही चीज़ यहाँ पर बता रखी है। बट वेरी डिफरेंट पीवीसी वैल्यू सिंपली बाय यूजिंग पिगमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, क्लियर है। हाउएवर द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई ग्लोस, हाई ओपेसिटी एंड हाई ड्यूरेबिलिटी आर फाउंड टू बी ऑफ कन्फ्लिक्टिंग नेचर, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं किसी पेंट के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी हो, कौन सी तीनों प्रॉपर्टी, कि भाई ग्लोस भी ज़्यादा हो, ओपेसिटी भी ज़्यादा हो एंड ड्यूरेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा हो, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, बता रखा है कि मैक्सिमम ग्लोस एंड ड्यूरेबिलिटी आर अचीव्ड एट लो पीवीसी। अगर पीवीसी की वैल्यू तुम्हारी कम होगी तो ग्लोस ज़्यादा होगी और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, एंड मैक्सिमम ओपेसिटी एट आइदर मॉडरेट एंड वेरी हाई पीवीसी। अगर पीवीसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ही हमारी ओपेसिटी ज़्यादा हो सकती है, यानी तीनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती तुम्हारी। अगर पीवीसी की वैल्यू लो होगी तो ग्लोस ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा ड्यूरेबल होगा पेंट तुम्हारा, और अगर पीवीसी की वैल्यू मॉडरेट हो या ज़्यादा हो तो हमारी ओपेसिटी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओपेसिटी का मतलब तो पता ही है सभी को,
अपारदर्शिता, जिसके आर पार ना देखा जा सके। द फॉलोइंग परसेंटेज इज यूज बाई सम पेंट मैन्युफैक्चरर एज एन अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ पीवीसी फॉर ए गिवन पेंट। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर द्वारा अलग अलग तरह का पेंट बनाने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। जैसे कि अगर फ्लैट पेंट बनाना है तो फ्लैट जिसको हम बोलते हैं यानी कि मैट फिनिश का, उसमें जो पीवीसी की वैल्यू होती है वो 50-75%, सेमी ग्लोस पेंट में 35-45, ग्लोस पेंट में 20-35, एक्सटीरियर में 28-36, मेटल में 25-40 और वुड प्राइमर में 35-40। ठीक है। इन जनरल पेंट फॉर्मुलेटेड विद लो पीवीसी हैव एन एक्सेस ऑफ बाइंडर प्रेजेंट। अगर मान लो किसी पेंट के अंदर पीवीसी की वैल्यू कम है तो उसके अंदर बाइंडर क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो फार्मूले में, देखो फार्मूले में आ जाओ, पीवीसी परसेंटेज, अगर पीवीसी परसेंटेज अगर कम होगी, ये वैल्यू कब होगी, जब नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। अब वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट ऊपर है, वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट नीचे, तो इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। किसका इफेक्ट आएगा? बाइंडर का। अगर बाइंडर ज़्यादा हुआ तो पीवीसी की वैल्यू कम होगी, बाइंडर अगर हमारा कम हुआ तो पीवीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। देखो, इन जनरल द पेंट फॉर्मुलेटेड विद लो पीवीसी हैव एन एक्सेस ऑफ बाइंडर प्रेजेंट। अगर पीवीसी की वैल्यू कम होगी तो बाइंडर क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा। अगर बाइंडर ज़्यादा होगा तो हमारी जो फिल्म होगी वो अच्छी प्रोड्यूस होगी, जो हमारे सर्फेस के ऊपर पेंट अच्छी तरीके से हम अप्लाई हो सकता है, रिजल्ट इन वेल बाउंड फिल्म गिविंग इन ए हाई ग्लोस लेवल, जिससे उसका ग्लोस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। और सिमिलरली एट एक्सट्रीमली हाई पीवीसी ज़्यादा होगी, बाइंडर की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें कम हो जाएगी। ठीक है। पेंट्स विद इंटरमीडिएट पीवीसी जनरली हैव प्रॉपर्टी समवेयर इन बिटवीन, और जो बीच की वैल्यू होगी पीवीसी, उनमें इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम इसमें क्रिटिकल पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको हम डिस्क्राइब एज द पीवीसी एट विच देयर इज प्रिसाइजली द राइट अमाउंट ऑफ बाइंडर टू वेट द पिगमेंट पार्टिकल्स। ठीक है, कि हमारे पास इतने ही बाइंडर के पार्टिकल्स हों, ठीक है, जो क्या कर सकें, पिगमेंट को क्या कर सके, प्रॉपरली तरीके से वेट कर सके, गीला कर सके, ना उससे कम हो ना उससे ज़्यादा हो, पूरा एग्जैक्टली गीला कर सके, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। अगर उससे पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन से ज़्यादा वैल्यू होगी एट लेवल अबव सीपीसी, ठीक है, तो हमारा बाइंडर क्या होगा, कम होगा, इनसफिशियंट बाउंडर होगा। और पीवीसी की वैल्यू इक्वल और ज़्यादा होगी इस पीवीसी से, तो हमारा बाइंडर जो होगा इम्परमिएबल होगा। ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेशन हमारी सीपीवीसी की पॉसिबल नहीं हो सकती है। अगर जो बेस्ट हमारे क्या होगा, हम कैसा गुड क्वालिटी पेंट बनाना है, तो पीवीसी की वैल्यू 5% अबव और बिलो होनी चाहिए, किससे, सीपीवीसी। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है। सीपीवीसी जो होता है वो पेंट सिस्टम का क्या होता है, वेरिएबल होता है एंड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ व्हीकल यूज इन द फॉर्मुलेशन, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ व्हीकल के ऊपर। अब लास्ट पैरामीटर इसमें कॉस्ट, तो कॉस्ट सबको पता है, मेन चीज़ क्या होती है, कोई भी हम चीज़ बनाते हैं तो सबसे मेन क्या देखता है कोई भी बनाने वाला फॉर्मुलेटर, कि उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। हम कोई ऐसी चीज़ ना बना दें कि जिसको पब्लिक अफोर्ड ही ना कर पाए, यूज ही ना कर पाए। तो एक सबसे मेन पैरामीटर होता है किसी चीज़ को बनाने में, कॉस्ट। ऐसे ही पेंट को बनाने में कॉस्ट सबसे मेन पैरामीटर है। तो फॉर्मुलेटर से ये देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करके जो हम पेंट बनाएंगे कभी उसकी वैल्यू ऐसी ना जाए कि वो लोग एफोर्ड ना कर पाएँ। तो पेंट हम जो भी बनाएंगे उसकी कॉस्ट को हमेशा ध्यान में रखेंगे, बस यही बता रखा है इसके अंदर। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म।